मेरी वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मेरा नाम है मोहम्मद अयूब सैफी। आज हम लगाएंगे फ्रंट डोर पर लेमिनेट्स यानी कि सनमाइका। आपकी लेमिनेट्स क्यों फूलती है? क्योंकि वो बड़ी होने के कारण आपकी सनमाइका फूल सकती है। तो मैं उसमें आपको रीज़न बताऊँगा कि हमारी लेमिनेट्स क्यों फूलते हैं, क्यों बबल रह जाते हैं। दोस्तों तरीका वही होता है जो हम और आप लगाते हैं, तो उसमें मैं आपको अपना तरीका दिखाऊंगा किस प्रकार लगाते हैं जो कि हमारा बबल नहीं आना चाहिए। वीडियो शुरू करते हैं। मैंने अपने लेमिनेट्स नीचे फ्लोर पर लिटा लिए और उसके ऊपर अपना फ्लट डोर डाल दिया है। हमें जो लेमिनेट्स काटनी है अपने फ्लट डोर से एक एक एम चारों साइड निकालनी होती है, तो सनमाइका काटते हैं। मैंने अपना ठिया लगा लिया है और हम जो फेविकोल लगाएंगे अपने फ्रंट डोर पर, हमने एक इस तरह से एक ठिया ढूंढ लिया है और उस पर हमने रख लिया है। यहाँ पर हम अपना लेमिनेट्स को एक बार उल्टी करेंगे। इसमें हमें यहाँ पर देखना है जो हमारी टेप लगी होगी उसको उतारना है, और जो हमारे कटर का जो साइड कटिंग हुआ है उस पर थोड़ा थोड़ा यानी कि एक तरह से डस्ट हैगी उसको छोटे से साफ़ कर लेंगे। अब हमें एक बार इस पर फुल झाड़ू लगानी होगी जो हमारी डस्ट है वो साफ़ हो जाएगी और हम फ्रंट डोर पर झाड़ू लगाएंगे। हम जो फेविकोल यानी कि वुड एडहेसिव लगाएंगे वो कंघे की सहायता से लगाएंगे और सीधे रेशे में लगाएंगे। मैंने लेमिनेट्स पर फेविकोल लगा लिया। अब हम अपने फ्रंट डोर पर लगाएंगे और इसको रखते हैं साइड में। हम जो फ्रंट डोर पर फेविकोल लगाएंगे वो हमें इस तरह से लगाना होगा। हमने लेमिनेट्स इस साइड से लगाया था और फ्रंट डोर इस साइड से लगाएंगे। हमने दोनों साइड फेविकोल लगा दिया है। अब हमें वेट करना है 10 मिनट का, इसलिए कि जो हमारा फेविकोल है जो इसका गिल्लापन है वो थोड़ा खुशक होना चाहिए। तो उसमें अगर आपके पास लाइट है यानी कि पंखे की व्यवस्था है तो आप उस पर 4-5 मिनट पंखा चला देंगे, और अगर आपके पास पंखे का इंतजाम नहीं है जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो आप इस तरह से एक सनमाइका ले लेंगे और इस तरह से हवा करेंगे आप लगभग 10 मिनट तक के। मेरे पास पंखे का इंतजाम है क्योंकि लाइट आए हुए मैं पंखा चला देता हूँ। गाइस आपको अपना पल्ला खुश होने के लिए चेक करना पड़ेगा कि आपका फेविकोल थोड़ा खुशक हो, इस तरह से आप हाथ फेर लेंगे, इससे आपका जो गीलापन है वो ख़त्म हो गया। अब हम इस पर लेमिनेट्स रखते हैं। आपको सबसे पहले एक कपड़े की सहायता से रगड़ाई करनी है इस तरह से जैसे मैं कर दिखा रहा हूँ। आपको रगड़ाई कर देने के बाद अब आपकी बारी इसकी हवा निकालने की आती है। हवा इस पर आपको इस प्रकार निकालनी है।
रख लें। हवा निकालने के बाद आपको लगभग 5 मिनट रगड़ाई करनी होगी। कुछ लेमिनेट्स ऐसी होती हैं जिसमें, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, आपको इसमें यहाँ पर डबक नज़र आएगी इस तरह से। इसमें आपको जो मास्किंग टेप लगानी है, आप इसमें डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, किसी सीधे फिटे की सहायता से आपको इस तरह से दबाना है और यहाँ पर आप लगभग 1 या 1.5 इंच का स्थान छोड़ देंगे, जिससे कि जो आपकी मास्किंग टेप मुड़ने में आसानी रहेगी। यहाँ पर आपको जो लेमिनेट्स दाबने, यहाँ पर डबक है, आपको इस तरह से हवा निकालेंगे, इस तरह से, जैसा कि मैंने आपको निकाल कर दिखाया। यहाँ पर आपकी जो लेमिनेट्स है बिल्कुल लेवल से ही आ जाएगा और इस तरह दब जाएगी। आपके पास दूसरा बंदा है, उसे दाब भी सकता है, अगर नहीं है तो इस पर आप कुछ वजन भी रख सकते हैं। गाइज, हमने अपना लेमिनेट्स लगा दिया है। इसमें जो मेन रीजन रहता है लेमिनेट्स पुनः का, जिसमें आपके बबल बन जाते हैं या गुब्बारा बन जाता है, उसमें जैसे आप उसमें फेमकोल कोई भी कंपनी का हो, आप फेमकोल जो लें अच्छी क्वालिटी का लें। फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो फूलने की जो वजह रहती है सनमाइका की, उसमें जो हम फेमकोल लगाते हैं वो थोड़ा गीलापन रह जाता है और साथ साथ ही चिपका देते हैं उसको। उसमें आपको जो ध्यान रखना है कि आपका थोड़ा फेमकोल खुशक होना चाहिए, जिससे कि गाढ़ापन आ जाना चाहिए एक तरह से। उसमें जो आप लेमिनेट्स मिलाएंगे उसकी पकड़ बहुत ही अच्छी और मज़बूत हो जाएगी, तो इस तरह से लगाना होता है। तो ये जो हमारा फ्लश डोर है, ये लगभग 5 या 6 घंटे के दरमियान सेट हो जाएगा, तो वेट करते हैं। 5-6 घंटे बीत गए हैं, हम सबसे पहले मास्किंग टेप उतारते हैं, उसके बाद फिनिशिंग करते हैं और फिर मैं आपको अपना फ्लश डोर दिखाऊँगा। हमारी लेमिनेट्स फ्लश डोर की बहुत अच्छी तरह पेस्ट हो गई। मैं आपको चेक कर दिखाता हूँ कि अभी कोई बबल नहीं आया, जैसा कि हमारे कस्टमर की यानी कि हमारे यूवर्स की सोच थी कि आप हमें लेमिनेट्स लगा कर देखा कि हमारे लेमिनेट्स में बबल आता है उसका क्या तरीका होता है। दोस्तों, यह था तरीका लगाने का, आप एक बार देख सकते हैं, एक बार चेक करके दिखा दो। यहाँ आप देख सकते हैं धार गोर बिल्कुल बड़ी फिनिशिंग के साथ, कहीं भी कोई सनमाइका नहीं उठी हुई है और ना ही कोई बबल है कहीं पर। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हुई। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में देखना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।